अंग्रेजों ने भारत को एक सिस्टम, इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट यानी विकास दिया था। देश में अंग्रेजों ने लाखों पुल बनवाए थे, लेकिन आजादी के 69 वर्ष बाद अब तक हम इन पुलों का रखरखाव भी ठीक से नहीं कर पा रहे हैं और यही ऐसे हादसों की बड़ी वजह है। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारतीय रेलवे में इस वक्त 57,000 से ज्यादा पुल अंग्रेजों के जमाने के हैं। देश भर में भारतीय रेल के कुल 1,36,000 पुल हैं। इनमें से 6,680 पुल 140 वर्षों से भी ज्यादा पुराने हैं। 36,470 पुल ऐसे हैं जिनका निर्माण हुए 100 से भी ज्यादा वर्ष बीत चुके हैं। यही नहीं, 81 से 100 वर्ष पुराने पुलों की संख्या भी इस वक्त 14,000 से ज्यादा है। पिछले 5 वर्षों में भारतीय रेल सिर्फ 4,338 पुलों की मरम्मत करवा पाई है और इस वर्ष बजट में रेलवे के पुराने पुलों की मरम्मत करने का बजट सिर्फ 491 करोड़ रुपए का है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इतने पैसे से कितने पुल ठीक हो सकते हैं। यानी भारतीय रेल अंग्रेजों के जमाने के पुलों पर चल रही है और किसी भी दिन कोई बड़ा हादसा हो सकता है, चाहे रेलवे का पुल हो या हाईवेज पर बना कोई पुल हो। आप कभी ना कभी ऐसे किसी ना किसी पुल से जरूर गुजरे होंगे और हो सकता है कि आज भी आप ऐसे पुलों के ऊपर से गुजरते होंगे, और ऐसे में आप खुद को खुशकिस्मत मानिए कि आप अभी तक जिंदा हैं और इस वक्त जी न्यूज देख रहे हैं। अब सवाल यह है कि महाराष्ट्र के रायगढ़ में हुए इस हादसे के लिए जिम्मेदार कौन है। आपको बता दें कि यह हादसा एक नेशनल हाईवे के पुल पर हुआ है और ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI के अंतर्गत आता है, लेकिन पुलों के रखरखाव की जिम्मेदारी राज्य के पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट यानी PWD की होती है। इसलिए इस केस में पहली जिम्मेदारी बनती है PWD के उस इंजीनियर की जिसने इस पुल की फिटनेस रिपोर्ट तैयार की थी और इसे फिट घोषित किया था। महाराष्ट्र में इस वक्त PWD मंत्री चंद्रकांत पाटिल हैं और वो भी इस केस की जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। इसके बाद की जिम्मेदारी रायगढ़ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की भी है, क्योंकि स्थानीय प्रशासन के अंतर्गत ही PWD काम करता है। सवाल ये भी है कि अगर पुल इतनी खराब हालत में था तो स्थानीय प्रशासन ने इस पुल पर गाड़ियों की आवाजाही रोकी क्यों नहीं। हमारे देश में अगर किसी VIP के लिए पूरा रास्ता रोका जा सकता है, अगर कांवड़ियों की सुविधा के लिए आम जनता का रूट बदला जा सकता है, तो फिर किसी खतरनाक पुल को बंद करके उसकी मरम्मत क्यों नहीं की जा सकती। स्थानीय लोगों का यह भी कहना है कि उन्होंने इस पुल के जर्जर होने की शिकायत की थी, इसलिए इस इलाके के विधायक और सांसद की भी जिम्मेदारी बनती है, वो भी अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। इस वक्त रायगढ़ के विधायक हैं शिवसेना के भरत गोगावले और केंद्रीय मंत्री अनंत गीते इस इलाके से शिवसेना के सांसद हैं, इनकी भी जिम्मेदारी बनती है। महाराष्ट्र के रायगढ़ में तो हादसा होने के बाद प्रशासन जागा है, लेकिन मध्य प्रदेश के दमोह जिले में प्रशासन किसी हादसे के इंतजार में आज भी बैठा हुआ है। अब ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के दमोह की हैं। इस इलाके में सरकार ने 6 महीने पहले ही एक बड़ा पुल बनवाया था, लेकिन भ्रष्टाचार की बुनियाद पर बना ये पुल 6 महीने तक भी नहीं टिक पाया और इस बार हुई बारिश में टूट गया, बह गया। अब इस इलाके के 5 गांवों के स्कूली बच्चों और लोगों को ऐसे ही लकड़ी का पुल बनाकर अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ रही है। ये तस्वीरें बेहद खतरनाक हैं। नीचे पानी का तेज बहाव है, डराने वाला शोर है और ऊपर अपनी जान की बाजी लगाकर बच्चे स्कूल जा रहे हैं। यहाँ हर कदम पर इनकी जिंदगी खतरों से भरी हुई है। अगर किसी का पैर फिसला तो वो सीधे नीचे नदी में गिरेगा, जहाँ जान बचना बहुत मुश्किल है। पिछले 1 महीने से हजारों लोग इसी तरह से अपनी जान जोखिम में डालकर इस नदी को पार कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन बिल्कुल बेखबर बैठा हुआ है। शायद प्रशासन को किसी बड़े हादसे का इंतजार है। आई को साधन है ना, जब का करो जाओ बवाल बच्चे पढ़ाओ ना, वो तो करना पड़ रहा है, रोज को आना जाना, रोज का आना जाना है। ऐसा ही अभी तो पानी कम है और ज्यादा आ जाता है तो हम ये लोग बच्चों को स्कूल भेजते हैं और सब रेस्ट लेते हैं। के बगल की बात है, मिट्टी है, अब हो सकता है अत्यधिक पानी वर्षा हो इस कारण से बह गई हो। पुल को कोई क्षति नहीं हुई है, केवल वो उसके जो कटाव हुआ है उससे मिट्टी बही है।
लगातार सर लोग वहाँ पर रिस्क ले रहे हैं, कोई सुरक्षा के इंतजाम? अब सुरक्षा के इंतजाम तो भाई साहब अब सब जगह तो सुरक्षा व्यवस्था नहीं दी जा सकती है, लेकिन हम जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे वो बन जाए। आपने दमोह की ये तस्वीरें देखी और इस तरह की तस्वीरें आपको देश भर में न जाने कितनी जगह देखने को मिल जाएंगी। इस इलाके में प्रशासन मौजूद है, इस इलाके में सरकार भी है, यहाँ पर डीएम भी है, इस क्षेत्र में विधायक भी है और इस क्षेत्र का एक सांसद भी है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि किसी को भी आम लोगों की जान की फिक्र नहीं है। ऐसे में इन लोगों को जनप्रतिनिधि कहना अपने आप में एक बहुत बड़ा मजाक है, क्योंकि जब किसी को जनता की जान की फिक्र है ही नहीं तो फिर वो जनप्रतिनिधि कैसे हो सकता है।